So, Gautam Aggarwal, first of all, congratulations for your continuous success. जो आप लगातार एक तरह से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. 2019 में 2300 रैंक गेट, 2020 990 रैंक, 2021 56 along with MTech, 2022 43 along with MTech and IOCL. So this is like big achievement. And here first of all हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. आप अपने बारे में कुछ बताइए गौतम. Thank you, sir. Sir, as you can see, my name is Gautam Aggarwal. मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ and मैं बीटेक IIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हूँ and then I have joined MTech in IIT Roorkee and I'm also doing MTech from IIT Roorkee. I am in second year and also मैं IOCL में selected हूँ and I'm doing job there. तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने MTech भी कर रहे हैं और IIT रुड़की में आपने बीटेक किया, तो आपने कोचिंग कब की? मतलब आपने कोचिंग कोचिंग की है आपने? यस सर, मैंने मेड ईसी से कोचिंग करी है, ऑफलाइन कोर्स. सर स्टार्टिंग में मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, वीकेंड बैच विद बीटेक. फाइनल ईयर? यस सर, फाइनल ईयर. ओके ओके, गुड गुड. एंड सर उसके बाद फिर मैंने 19 में बीटेक जैसे मेरी खत्म हुई, फिर मेरे पास एक रेजोनेंस में जॉब थी. मेरे पास ऑप्शन थे, या तो आई विल गो टू रेजोनेंस और आई विल स्टार्ट अगेन. बट ये था कि रैंक अच्छी नहीं थी गेट में, तो थोड़ा रिस्क तो था, लेकिन मैंने रिस्क लिया एंड आई अगेन ज्वाइन मेड ईजी बिकॉज सम ऑफ माय कोर्सेज वर नॉट फिनिश्ड बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स. सो उसके बाद मैंने दोबारा ज्वाइन किया मेड ईजी रेगुलर कोर्स, जो जुलाई वाला बैच होता है सुल्तानपुर में. एंड उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी दोबारा ESE की. फिर मैंने 2 साल कोचिंग करी, मतलब 2019 और 18. तो आपने अभी जैसे कि गेट में आपकी रैंक जो है 2021 में 56, 2022 में 43. अलोंग विद गेट यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IES. तो आपकी IES की जर्नी कैसी चल रही है, उसके बारे में आप बताइए. हाँ सर, मेरा भी तो ESE 2021 में था, उसका प्री एंड मेंस निकल चुका है एंड आई हैव गिवन इंटरव्यू लास्ट इन 2 मार्च. उसके बाद अभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. सो ये मेरा तो हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप दोबारा से हमारे साथ IES के इंटरव्यू में, IES में सिलेक्शन होने के बाद फिर से टॉपर स्टॉक में आए. ये हमारे आपको एक तरह से बेस्ट विशेष है. यहाँ पर एक चीज जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि मैं बीटेक के साथ कैसे प्रिपरेशन करूंगा, मैं एमटेक के साथ. हम बोलते हैं आप एमटेक कर लो, एमटेक के साथ प्रिपरेशन कर लेना. कई लोग बोलते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल है. मैं जैसे आपकी प्रोफाइल देख पा रहा हूँ, आपने बीटेक के साथ कोचिंग की, 2300 रैंक लेके आई बीटेक फाइनल ईयर के साथ. उसके बाद फिर आपने एमटेक ज्वाइन किया IIT रुड़की में और ड्यूरिंग योर एमटेक, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर एमटेक यू गॉट 56th रैंक इन गेट. फिर आप जैसे कि पिछले साल अभी दिसंबर 2021 में यू गॉट सेलेक्टेड इन IOCL ऑल्सो. IOCL में आप सेलेक्ट हो गए, एमटेक आपका चल रहा था और अभी फरवरी में जब गेट एग्जाम हुआ तो आपने 43 रैंक लेकर आए हैं. तो यहाँ पर मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप बच्चों को एक तरह से बताएं कि आपने ये सब चीजें कैसे मैनेज की हैं, और दूसरी चीज उनके लिए आप एक तरह से कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरह से वो लोग इस चीज को मैनेज कर सकते हैं. हाँ सर, पहली बात तो है कि हमारा जो गोल है ना फिक्स होना चाहिए. जैसे मेरा गोल था, जैसे मैंने कोचिंग गोल फिक्स होना चाहिए. अगर जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी फर्स्ट टाइम, तो मेरा गोल फिक्स था कि मुझे ESE और गेट की ही तैयारी करनी है, मेनली ESE एंड गेट इज सबसेट ऑफ ESE, यू नो दैट. तो इजीली तो मुझे पता था कि वो उसकी तैयारी करनी है. तो मैंने जो बीटेक में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. अगर आपको किसी को भी बच्चे को अगर तैयारी करनी है तो उसको ज़्यादा टाइम जो गोल है उस पर देना पड़ेगा, ये तो ईजी सी बात है. तो फिर मैंने यही करा. आई यूज टू प्रिपेयर फॉर माई एंड एग्जाम्स only like 1 week or 10 days before it, and I gave my time to ESE and GATE preparation. ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था, ज़्यादा टेस्ट सीरीज देता था. तो मेरा गोल फिक्स था, इसलिए मुझे हेल्प मिली और मैंने टाइम मैनेजमेंट भी ढंग से किया. मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा. तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस. अगर आप टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करते हो तो along with your BTech, along with MTech, along with your job also, you can get a good rank. सो यहाँ पर आप बताइए बच्चों को कि किस तरह से आप जो टाइम मैनेज करते थे, जैसे बीटेक की क्लास होती थी, एमटेक की क्लास होती थी, तो उसके बाद यूजुअली आप कितने घंटे एक तरह से डेली पढ़ाई करते थे और कैसे मैनेज करते थे, किस तरह से मैनेज करते थे? जैसे वीकेंड भी आता है और जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो छुट्टियां भी आती है, कॉलेज में भी छुट्टियां होती है, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करते थे, मैनेज करते थे? सर जैसे मैं, मेरा वीकेंड बैच था बीटेक के टाइम, मैं फ्राइडे को आता था कुरुक्षेत्र से दिल्ली एंड सैटरडे संडे कोचिंग लगाता था। कुरुक्षेत्र से दिल्ली आते थे आप वीकेंड लगाने? वाओ ग्रेट, दिस इज लाइक ग्रेट मोटिवेशन फॉर अदर्स आल्सो, जो कि एक तरह से ऑनलाइन में अभी क्लास लगाने में भी उनको दिक्कत होती है, कई लोग जो है थोड़े से उसमें थक जाते हैं। आप यहाँ पर कुरुक्षेत्र से फ्राइडे को आते थे और वीकेंड पे वीकेंड बैच लगाते थे, वेरी गुड बेटा। हाँ आगे। हाँ सर, उसके बाद जैसे जो भी नोट्स बने कोचिंग में, उसको जैसे मंडे को या फिर संडे को ही देख लिया या फिर ट्रेन में बैठे बैठे देख लिया। ट्रैवलिंग टाइम ही आप सारा कवर कर लेते थे, रिवीजन वगैरह? यस सर, मतलब कभी कभार कर लेते थे, कभी कभार नहीं भी हो पाता था कुछ, तो क्योंकि लाइट्स कम होती थी ट्रेन में, तो इसलिए रात को। तो उसके बाद मंडे को ये होता था कि क्लास होती थी 8:30 से 4:30, तो बीच बीच में जैसे जब भी हमारे एग्जाम मतलब क्लासेस के बीच में एंड पीछे बैठ गए, अपने वर्कबुक खोल ली मेड ईसी की, क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लिए, प्रीवियस ईयर देख ली। तो उसके बाद 4:30 के बाद 2-3-4 घंटे और जैसे 6 से लेकर 8 तक पढ़ लिया, फिर 9 से 11 ऐसा टाइम बैठा लिया था कि 3-4 घंटे तो आफ्टर 4:30 पढ़ना ही है, क्योंकि ESE इज अ वेरी मतलब टाइम टेकिंग जॉब। तो ये करता रहा। उसके बाद फिर मैंने लाइक 19 में ऐसा हुआ कि मैंने बीटेक के बाद मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी, मेडईजी में आया। मेडईजी में जैसे मैंने दोबारा ज्वाइन करा, जैसे आपका कोई क्लास चल रही है, तो जैसे कुछ टॉपिक जो मुझे इजी लगता था उस समय मैं ESE की प्रीवियस ईयर का लेता था क्लास में, और कुछ टॉपिक जैसे ट्रैपेज़ियल वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा टफ था, तो वो मैंने दोबारा देखा, आपको मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। तो मैं ऐसा टाइम वेस्ट नहीं होने देता था अपना बिल्कुल भी। वेरी गुड बेटा। सो यहाँ पर इसको वाइंड अप हम करेंगे और लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन की है, 2300 रैंक 2019, 20 में 990, फिर 56, देन 43, एंड यू आर गिविंग दैट ESE इंटरव्यू आल्सो। तो ये जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की है, आपने एक तरह से अपने एम को एक तरह से हमेशा जो आपने बताया कि गोल पे फोकस रखा है, तो यहाँ पर आप बच्चों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं और ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, उनको एक तरह से पता लगेगा कि किस तरह से बीटेक, एमटेक और जॉब के साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लास्ट में आप क्या उनके लिए बोलना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ना आपको बिलीफ रखना चाहिए, बिलीफ इज की। अगर बिलीफ ही नहीं रहेगा तो अपन पढ़ते भी जाएंगे ना, अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि हम कर सकते हैं, तो अपन उतना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। हम मतलब जैसे मेरी 2300 रैंक आई थी, तो पहुंच सकता था, मतलब इमेजिन कर सकता था कि मेरे 56, 43 भी आ सकती है, अंडर 100 2 बार आ सकती है लगातार। तो 2300 के बाद जैसे मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ, बट मैंने हार नहीं मारी, आई कीप ऑन लाइक गोइंग एट इट एंड आई सक्सीडेड। मतलब मैंने 14 मार्क्स इंप्रूवमेंट करे हर गेट के एग्जाम्स में, तो मैंने हार नहीं मानी और मैं कंसिस्टेंट रहा। तो ये दोनों चीज़ें ही बच्चों को रखनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे या ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे, मतलब हार नहीं माननी बेसिकली मेरे हिसाब से। तो जो हम लोगों को सुन रहे हैं उनके लिए ये चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गौतम अग्रवाल से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और हमें हमारी जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसमें इसको फॉलो करना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम को आप फिक्स करिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप बीटेक, एमटेक और जॉब के साथ भी एक अच्छी रैंक निकाल सकते हो। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी एंड योर एम। So you have to focus on your aim. Thank you Gautam, and we wish कि आप जो है IES में भी आपका selection हो और again in next topper stock in ESE आपका हमारे साथ फिर से बैठना हो। Thank you so much Gautam Aggarwal and best wishes for your future. Rise and shine बेटा. Thank you sir.